भैया मेरे देश में कोरोना की औकात पान, बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट पर छपी फोटो और चेतावनी जैसी हो चुकी है। पता सबको है कि बड़ा खतरनाक है, लेकिन फर्क फर्क किसी को घंटा नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो 11th के बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। 4 दिन से था मैं गायब, एक्चुअली गायब नहीं, आई एम नॉट मिस्टर इंडिया। 4 दिन से था थोड़ा सा बिजी एंड टाइट शेड्यूल और थोड़ी सी तबीयत भी थी नासाज, तो लेकर आए हैं आपके लिए फिर वापस 11th क्लास 11th चैप्टर 2 की आपकी बढ़िया सी फेवरेट सी टॉपिक के ऊपर जिसका नाम था डायमेंशंस। आपको मैंने लास्ट क्लास में दी थी एक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ब्लू ब्लू नीली नीली से वर्ड्स में, जिसको टच करेंगे तो सीधा जाएंगे गूगल ड्राइव में और वहां पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक पेज मिलेगा। पेज में थे 5 प्रश्न। होप सो कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हो, कुछ ना करे हो तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं आज का टॉपिक जो है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। बच्चों कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। बच्चों कंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगतता। इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं आपको इस भाषा में समझाता हूं कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर कि जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो LHS और RHS आपका बराबर आना चाहिए। उसी तरीके से डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि LHS एंड RHS की डायमेंशंस हमेशा बराबर होती है। एक बात तो ये होती है बच्चों डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के अंदर कि फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं कि डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर होनी चाहिए डायमेंशंस ऑफ RHS, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस हैविंग सेम मीनिंग, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। और थर्ड है आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड ऑन। अब मतलब समझते हैं बच्चों इसका एग्जैक्टली है क्या। पहली बात तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी इक्वेशन को हम उसी कंडीशन में बोलेंगे वो कंसिस्टेंट है जब तक LHS की डायमेंशंस और RHS की डायमेंशंस हमारे पास बराबर ना हो जाएं। जब तक LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन हमारे पास बराबर ना हो जाएं। दूसरी बात, अगर हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम है, अगर हमारे पास ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन सेम है बच्चों, बशर्ते उनका मीनिंग भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं टॉर्क, अभी आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 में रोटेशनल मोशन में टॉर्क, टॉर्क ऐसी फोर्स होती है जो चीजों को घुमाने में सहायता करती है। अगर मैं ढक्कन घुमा रहा हूं
तो इस पर मैं फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स के साथ साथ एक नई फोर्स लगा रहा हूं जिसका नाम है टॉर्क। कोई भी चीज अगर मैं गोल घुमाता हूं, चाहे वो मेरा फैन हो चाहे वो मेरी मोटर हो, उस पर हर जगह टॉर्क लगती है बच्चों, शक्तिमान को छोड़कर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज गोल घूमती है तो उस पर टॉर्क लगती है और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। वर्क डन या एनर्जी की यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकती हैं, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और वर्क एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, वर्क एनर्जी कंसेप्ट ही अलग हो गया और टॉर्क बिल्कुल कंसेप्ट अलग हो गया, लेकिन दोनों की डायमेंशंस इत्तफाक से सेम है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है बच्चों कि सेम डायमेंशंस वाली और सेम मीनिंग वाली ही ऐड होंगी या वो ही सब्ट्रैक्ट होंगी। डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट मीनिंग वाली मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो सकती हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं। इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं, फिर आप करेंगे हम क्वेश्चंस पीडीएफ वाले सॉल्व। देखिए बच्चों, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास था कि डायमेंशंस ऑफ एलएचएस और डायमेंशंस ऑफ आरएचएस बराबर होनी चाहिए। आपको न्यूटन्स की तीन इक्वेशन तो भली भांति बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। वो क्या थी पहली, कि v इक्वल्स टू u प्लस at। इसकी डायमेंशंस चेक करते हैं, डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करते हैं बच्चों। एलएचएस आपके पास क्या है, यह है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशंस मुझे तो याद है, आपको भी याद करनी चाहिए। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती है एल टी माइनस वन। बात करते हैं आरएचएस, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन तो एल टी माइनस वन रहेगी ही, प्लस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, साथ में टाइम के लिए आ गया टी, ये हो गया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू ये है टी की पावर वन। जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बच्चों टी की पावर माइनस टू प्लस वन। एल टी माइनस वन प्लस माइनस टू से वन गया तो ये भी बचा एल टी माइनस वन। अब आप लोग बोलेंगे एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन बन गया दो बार एल टी माइनस वन, कोई बात नहीं, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया। हालांकि फिजिक्स ये कहती है कि एल प्लस एल एग्जैक्टली एल ही होता है डायमेंशनली। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वहां पर तो टू एल बन सकता है, लेकिन डायमेंशनली की अगर हम बात करें तो ये एल ही होगा। लेकिन चलो मान लिया मैंने एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस वन क्या मिला, टू टाइम्स एल टी माइनस वन। लेकिन हम केवल किस पर फोकस करते हैं, हम केवल डायमेंशन पर फोकस कर रहे हैं, हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। तो एलएचएस की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस वन, और आरएचएस की डायमेंशन भी क्या हुई, एल टी माइनस वन। ये आपके लिए दो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दो को तो हम केवल टू बोलेंगे जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलएचएस और आरएचएस आपका डायमेंशनली इक्वल है। एक फटाफट और देख लेते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एलएचएस आपके पास हो गया बच्चों, एलएचएस है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एल। आरएचएस आपके पास है यू, यू का मतलब हो गया एल टी माइनस वन, टाइम के लिए साथ में आ गया टी, प्लस हाफ के लिए नंबर है, हम कोई डायमेंशन यूज नहीं करते हैं, एक्सीलरेशन के लिए आ गया एल टी माइनस टू, और टी के लिए आ गया टी की पावर टू। टी की पावर माइनस वन से टी की पावर प्लस वन चला गया, ये बचा एल। टी की पावर माइनस टू से टी की पावर प्लस टू चला गया, ये भी बचा बच्चों एल। एल प्लस एल फिर से टू एल, या फिर आप केवल लिखेंगे एल। तो ये आपके पास निकल के आई डायमेंशन ऑफ एलएचएस एंड डायमेंशन ऑफ आरएचएस बराबर, डायमेंशन ऑफ एलएचएस एंड डायमेंशन ऑफ आरएचएस एग्जैक्टली इक्वल।
आप किसी में भी बड़े आसानी से ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। हम आगे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और फटाफट जो सेकंड और थर्ड पॉइंट पर बेस्ड थे। जैसे सपोज करो अगर मैं बच्चों बात करूं x बराबर a प्लस बी टी प्लस टी सी टी स्क्वायर, ये अगर मैं बात करूं, आपको यहां पर x दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, आपको दिया हुआ है a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, c कांस्टेंट, t टाइम है, आपको निकालनी है a b और c तीनों की डायमेंशंस। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेम क्वांटिटीज, सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज या सेम फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मीनिंग सेम हो उनको ही हम ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है डिस्प्लेसमेंट, तो ये अकेला होगा डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा होगा डिस्प्लेसमेंट और ये पूरा भी क्या होगा आपके पास, जी हाँ बच्चों ये पूरा भी होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, 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 तीनों को जब ऐड करेंगे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो x की डायमेंशंस आपके पास थी, इसकी डायमेंशंस आई आपके पास l, इसकी डायमेंशंस कितनी आई l, इसकी डायमेंशन भी क्या आनी चाहिए l, इस पूरे की डायमेंशन भी क्या आनी चाहिए l, तो b साथ में t, इसकी डायमेंशन क्या आनी चाहिए l, t की डायमेंशन क्या आएगी कैपिटल t, b क्या हो गया L ऊपर T नीचे, तो ये बन गया L, T जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा T की पावर माइनस वन, ये आ गई B की डायमेंशंस। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सी टी स्क्वायर, अगेन फिर से आपके पास मिलना चाहिए X के बराबर, ये हो गया सी टी स्क्वायर, यहां पर हम डायमेंशंस पुट कर देते हैं T की पावर टू, X की डायमेंशन L हो गई, C हो गया L ऊपर और t की पावर 2 नीचे, ये आ गया एल टी माइनस 2। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक फटाफट बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको मैं और बता दूं, जो एग्जाम में कई बार आ जाता है, कई बार आ चुका है और उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, ये इक्वेशन बच्चों अब देखो ध्यान से, P है प्रेशर, मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या क्या चीजें हैं, R है रियल गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, V है वॉल्यूम, P है प्रेशर, A और B की डायमेंशंस आपको निकालनी है जो है कांस्टेंट। तो प्रेशर में क्या ऐड होगा बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ये भी अपने आप में प्रेशर ही होना चाहिए। तो हम ऐसे देखेंगे P में अगर A by V स्क्वायर ऐड हुआ तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन भी प्रेशर वाली ही होगी, तो A आपके पास आ गया P into V स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, अगर प्रेशर के किसी को डायरेक्टली डायमेंशंस याद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, फोर्स अपॉन में एरिया साथ में है वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशंस होती हैं एम एल टी माइनस टू, एरिया के लिए आ गया बच्चों ए का स्क्वायर, जो डायमेंशंस बनेंगी वो बनेंगी एल की पावर टू, एल की पावर टू, और वॉल्यूम के लिए बनेगा एल की पावर थ्री और इसकी पावर टू। ये आपके पास ए का आया डायमेंशंस, एम बचा, एल एक है, तीन दूनी छ, छ और एक सात, सात में से दो गए पांच, और टी की पावर कितनी बची बच्चों माइनस टू। तो इस तरीके से एक ही डायमेंशन आपके पास आ गई। बी के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में से बी घटा दिया गया है तो इसका मतलब जब किसी चीज में से बी घट रहा है तो वो उसी के बराबर होगा, तो बी जो होगा वो वॉल्यूम के बराबर ही होगा और वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी एल की पावर थ्री। ये थे आपके पास डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसों वाले न्यूमेरिकल्स जो कुछ इस तरीके से हैं।
पीडीएफ आपको मैंने सेंड करी थी, नीले नीले शब्दों में लिंक था, उसको टच कर लीजिए, पीडीएफ खुल जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। एसी मेरा हो चुका है बिल्कुल ऑफ, लाइट है गई भग, करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं। अ मूविंग बॉडी इन अ मीडियम, एक मीडियम के अंदर अगर एक बॉडी हमने डाल दी तो वो नीचे की तरफ धीरे 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 जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं पानी में, तो पानी में जाएगी वो बड़ी स्लो स्लो, शहद में जाएगी फास्ट। अरे बच्चों उल्टा बोल रहा हूं, शहद में जाएगी बहुत स्लो स्लो और पानी में जाएगी बहुत फास्ट। ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। अ मूविंग बॉडी इन ए मीडियम फील्स अ विस्कियस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विच डिपेंड्स ऑन, तो फोर्स किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, रेडियस ऑफ द बॉडी पर और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये हो जाएगा के, इसकी पावर ए बी और सी दे दी तो यहां पर भी ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। डायमेंशंस की अगर हम बात करें, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की आएगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन, पावर ए हो गया, रेडियस का मतलब एल हो गया पावर बी, वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन हो गया पावर सी। एम एल टी माइनस टू ये हो गया बच्चों आपके पास m की पावर a, l की पावर माइनस a, l की पावर b और l की पावर c। t की पावर आई आपके पास माइनस a और t की पावर आ गई माइनस c। हम कंपेयर करेंगे जब पावर्स को, तो a की वैल्यू आ गई 1, माइनस a प्लस b प्लस c ये भी आ गया 1, माइनस ए माइनस सी ये आ गया माइनस 2। ए की वैल्यू जो 1 मिली थी वो यहां पुट कर दी, माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 हो गया और ये आ गया आपके पास सी की वैल्यू भी 1। सी की वैल्यू 1 हमने यहां पुट करी, ए की वैल्यू माइनस 1 यहां पुट करी, तो आपके पास कुल मिलाकर आ गया 1 से 1 कैंसिल, अरे वाह, ए वन बी वन सी वन। इसको हम जब बच्चों यहां पर पुट करेंगे तो ये के ईटा की पावर 1, आर की पावर 1 और वी की पावर भी 1, तो एफ आपके पास आ गया के ईटा आर वी। एग्जैक्ट ये फॉर्मूला नहीं होता है, के की वैल्यू होती है 6 पाई, लेकिन अगर आप यहां पर भी छोड़ के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको नहीं पता है तो 6 पाई ईटा आर वी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, आप यहां पर भी छोड़ के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? फटाफट करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और स्टार्ट, उसके बाद कीजिएगा आप फिर से एक बार सेल्फ स्टडी। संडे की क्लास में हम इन क्वेश्चन को फिनिश करवाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं बच्चों, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी तो इसका मतलब वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी वाली एक्सीलरेशन को हम जी से दिखा देंगे, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के रेडियस को हमने आर से दिखा दिया। वी इक्वल टू के जी की पावर, जी और आर पावर दे दी हमने ए और बी। वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन, एम नहीं है तो जीरो लगा दिया जी, ये हो गया एल टी माइनस टू, आर का मतलब हो गया एल, पावर हो गई बी और ए, ये आ गया एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर माइनस 1, एम तो है ही नहीं यहां पर, तो आपके पास आया एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर माइनस 2a, 0, एम तो है ही नहीं यहां पर आपके पास, तो अल्टीमेटली एल की पावर 1, तो ये आ गया आपके पास ए प्लस बी बराबर 1 और माइनस 2a बराबर माइनस 1, ए आ गया बच्चों 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे
तो b की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/2। इसको आपने यहां पर पुट कर दिया तो k g की पावर 1/2 r की पावर 1/2, तो अल्टीमेटली ये हो गया g और r इस पूरे पर रूट। ये आपके पास निकल गया ही एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब बच्चों होता है वो वेलोसिटी जिसके द्वारा किसी बॉडी को अगर हम किसी प्लेनेट से ऊपर फेंकें तो वो कभी लौट के ना आए, भाग जाए, निकल के भाग जाए, कभी लौट के ना आए। तो ये था आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, नाम है एरर्स, गलतियां। जी हाँ, गलतियां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स में। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।